टूरिस्ट लोग आप देख सकते हैं आना स्टार्ट हो चुका है अभी। और दुर्गा पूजा के दिन में यहाँ पे मेला भी लगता है, आने का मन करने लगता है। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू लगता है। बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज हम निकल चुके हैं एक नए डेस्टिनेशन के लिए और साथ ही साथ देख सकते हैं बच्चे लोग को भी लेके जा रहे थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। तो चलिए जब पहुँचते हैं वहाँ पे उसके बाद आपसे मिलते हैं। पहले पहुँचने के बाद पहले दुर्गा माँ का दर्शन कर लिए और साथ ही साथ बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना मस्त है। एक्चुअली यहाँ पर मेला लगता है, झाझवा मेला बोला जाता है। यहाँ पे धरारा वाटरफॉल भी है, वो भी आपको दिखाने वाला है। लेकिन पहले आप देख सकते हैं ये सारा जो एरिया है ये सब में दुकान लगेगा और यहाँ पे मेला लगता है, वो भी काफ़ी भयंकर मेला लगता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। लेकिन हम एक दिन पहले आए हैं जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से अभी कोई नहीं है। चलिए नीचे भी चलेंगे, नीचे काफ़ी मस्त व्यू देखने को आपको मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारा पत्थर आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे का व्यू को दिखाते हैं। पहले ये सीढ़ी नहीं हुआ करता था बट रिसेंटली ये सीढ़ी बना है जो कि काफ़ी अच्छा है, नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाता है। और ये रिसेंटली बना है ये सीढ़ी नीचे जाने के लिए ताकि आराम से नीचे देख सकते हैं। आज भी यहाँ मेला नहीं लगा तब भी आज देख सकते हैं इतना भीड़ है यहाँ पे। देखिए आस्ते आस्ते चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कितना तेजी से पानी बह रहा है यहाँ पे, आगे से बहता हुआ आ रहा है पानी इस साइड। और ये मंदिर देख सकते हैं ऊपर साइड में, यहाँ मंदिर है, इस साइड मंदिर है। और ये जो पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ के अंदर से भी पानी आता है अंदर से। इतना खूबसूरत पानी देखने के बाद नहाने का मन करने लगा, तो चलिए अब चलते हैं नहाने के लिए। नहीं 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 घर कहाँ से तोरा यहाँ पे काफी सारे लड़का लोग नहा रहा है, लोग कब से नहा रहा है, लोग अभी भी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए अब कपड़ा पहन लेते हैं। नीली नहा के बाहर निकल चुके हैं, नहाने में काफी ज्यादा मजा आया। चलिए इसके ऊपर भी चलते हैं, इसके ऊपर भी जाके नज़ारा दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा देखने में। पाव जो काफ़ी ज़्यादा स्लिप खा रहा है यहाँ से, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू लगता है। और यहाँ पे नहा रहे थे हम, यहाँ पे नहा रहे थे इस साइड में। और इधर भी काफ़ी सारा चट्टान ही चट्टान देख सकते हैं, काफ़ी सारा पत्थर है। चढ़ पाएगा तुम, देख के चलना, गिरना न। इधर से देखिए ये नदी है, एक्चुअली ये नदी है आगे से, ठीक है। और वहाँ से आने के बाद ये मतलब पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा झरना वगैरह बन चुका है। इसको धर्रा फॉल बोला जाता है और ये टूरिस्ट प्लेस में से भी एक है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग घूमने के लिए भी आते हैं। उसे काफ़ी बेहतरीन बनाया भी जा रहा है, जैसे कि पहले देख सकते हैं नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर सीढ़ी भी बना दिया गया है। और दुर्गा पूजा के दिन में यहाँ पे मेला भी लगता है, ऐसे आज दशमी है तो आज नहीं कल, दशमी के एक दिन बाद, यानी हर जगह मेला जब खत्म हो जाता है तब जाके यहाँ पे मेला लगता है, एक दिन बाद यहाँ मेला लगता है। और काफी भयंकर तरीका से मेला लगता है, काफी ज्यादा मेला लगता है, मतलब तो बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। अभी जैसे आपको बाहर ऊपर में दिखाया, ज्यादा भीड़ नहीं था, कल आपको पाँव रखने तक का जगह नहीं मिलेगा। और काफी सारा दुकान लगेगा और काफी गाँव से घूमने के लिए काफी लोग आएंगे यहाँ पे और इंजॉय करेंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से नीचे उतरते हैं, नीचे उतरना भी बहुत बड़ा टास्क है, यहाँ से जंप कर देते हैं। जंप मार दिए वहाँ से डायरेक्ट, चाबी यहीं पे भूल गए, यहाँ पे चप्पल भी यहीं पे है, चाबी भी यहीं पे, खो गया तो फिर कहाँ मिलेगा बोलिए। तो यहाँ पे वॉलेट और मेरा चाबी गाड़ी का यहीं पे रह गया। आज तो बहुत कम ही जन नहा रहा है, लेकिन एक दिन पहले भी आए थे हम यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़, काफ़ी लोग आए हुए थे नहाने के लिए यहाँ पर, तो झाझवा मेला भी बोला जाता है। चलिए आगे वहाँ तक चलते हैं जहाँ पर पानी ये गिर रहा है, बड़ा आराम से जाना पड़ेगा नहीं तो नीचे चल जाइए। यहाँ पे काफ़ी सारा बंगाली लोग भी कोलकाता से आते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे अगर आए तो बहुत सारा घूमने का जगह है, जैसे कि ये हो गया है तो इसको धरारा फॉल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे घूमने का काफ़ी अच्छा स्पॉट है। उसके बाद से यहाँ पे लट्टू पहाड़ है, तो काफ़ी अच्छा घूमने का जगह है राजा कोटी। और टूरिस्ट लोग आप देख सकते हैं आना स्टार्ट हो चुका है अभी, और शाम होते होते और भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हुआ करेगा। इस चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते थक भी जाते हैं, क्या ही करें। तो देख सकते हैं यही था यहाँ, देख सकते पूरा धान लगा हुआ है। जब मेला लगेगा ना तो इधर इससे अगर आदमी लोग जाने लगेगा पूरा धान वन का धज्जिया उड़ा देगा। ये देख सकते हैं ऊपर में ये मंदिर है, देख सकते हैं सामने से टोटो भी आ रहा है। रास्ता कंडीशन देख सकते हैं, अगर टोटो उलट गया तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। ये देखिए रास्ता, अभी आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन होगा टोटो का आने का। हम यहाँ पे खड़े हैं ना, टोटो कहाँ से आएगा, देख सकते हैं बोलेरो भी आ रहा है। अब बोलेरो कहाँ से जाएगा, गाड़ी आगे करना पड़ेगा। तो चलिए बस ऐसे यहाँ पे इतना ही कुछ था। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, तो पसंद आया हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।